Dear students, we are going to discuss exercise 4.7. Find the value of a square plus b square. ये exercise 4.7 class 9 की इस book की और ये concern matrix class से भी है. अब हमें a square plus b square की वैल्यू निकालनी है. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है a plus b is equals 4 और a b is equals to 3. अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे. हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और हमारे पास मौजूद है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 और ए बी इज इक्वल टू 3. हम उठाएंगे a प्लस b इज इक्वल्स टू 4. ये इसलिए उठाया है a प्लस b क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू a प्लस b के होल स्क्वायर में मौजूद है. तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू 4 का भी होल स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अब होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे जो आपको पता है पहले ही. फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड का भी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 16. इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. a स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू है 3 प्लस b स्क्वायर is equals to 16. a square plus 2 3 is 6 plus b square is equals to 16. a square plus b square is equals to 16. ये 6 यहां से यहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था. अब हम आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे. इसका सेकेंड क्वेश्चन है a माइनस b इज इक्वल 7
AB is equals to 13. Solution. उसी तरह से हम a माइनस बी की वैल्यू उठाएंगे इज इक्वल्स टू 7. इसका होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स का 7 का भी होल स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू a माइनस b के होल स्क्वायर में भी है तो देयरफॉर का साइन जरूर देंगे फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड का होल स्क्वायर is equals to 49. 7 7s are 49. Kabhi bhi 7 2s are 14 mat kijiyega. A square minus 2ab plus b square is equals to 49. A square minus 2 ab ki value hai 13. Plus b square is equals 49. A square minus 13 2s are 26. Plus b square is equals 49. So a square plus b square is equals 49 plus 26. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 75 ये आपका सेकंड क्वेश्चन है अब हम इसी का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है a माइनस b इज इक्वल्स 5 a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 9 a माइनस b इज इक्वल्स टू 5 और a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 9 सॉल्यूशन देखिए यहां पर दो चीजें दी गई हैं a माइनस b इज इक्वल्स 5 और a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 9 हमें पहले a b की वैल्यू निकालनी होगी और a b की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का भी होल स्क्वायर 4ab is equals to minus 9 ka whole square minus 5 ka bhi whole square 4ab is equals to minus 9 multiply by minus 9 minus into minus plus 9 9s are 81 minus 5 5s are 25
4AB is equals to 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, तो AB is equals to 56 upon 4, तो AB is equals to 4 × 4, 4 × 4 = 16. अब हम a प्लस b की वैल्यू उठाएं या a माइनस b की वैल्यू उठाएं, दोनों में से हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम ये फर्स्ट उठाते हैं, a माइनस b is equals to 5, तो a माइनस b का होल स्क्वायर is equals to 5 का भी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड का भी होल स्क्वायर इज इक्वल्स 25, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स 25, ए स्क्वायर माइनस 2, ab की वैल्यू हमने निकाली 14 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स 25, a स्क्वायर माइनस 14 2s are 28 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स 25, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स 25 प्लस 28, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स 53, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 पार्ट इस क्वेश्चन का, a प्लस b इज इक्वल्स माइनस 8, और a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 6, सेम उसी तरह से होगा सॉल्यूशन। पहले हम AB की वैल्यू निकालेंगे, AB की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4AB is equals to A plus B का होल स्क्वायर माइनस A minus B का भी होल स्क्वायर, therefore का साइन 4ab is equals to a plus b है minus 8 का whole square minus a minus b की value है minus 6 का whole square, 4ab is equals to 8 minus 8 multiply by minus 8 minus into minus plus 8 8s are 64 minus
minus 6 multiply by minus 6 minus into minus plus 6, 6 are 36. 4ab is equals 28. So ab is equals 28 upon 4. So ab is equals to said. अब हम a plus b उठाते हैं. A plus b is equals to minus 8. तो a plus b का whole square is equals to minus 8 का भी whole square. तो first का whole square plus 2 first into second plus second का whole square is equals to 64. तो a square plus 2ab plus b square is equals 64. तो a square plus 2ab की वैल्यू हमने निकाली 7 plus b square is equals 64. तो a square plus 14 plus b square is equals 64. तो a square plus b square is equals 64 minus 14. तो a square plus b square is equals to 50. 64 में से 14 minus किया तो आ गया 50. अब उसके बाद इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन में हमसे सिर्फ 4ab की वैल्यू मांगी गई है. और क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है. क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर ए बी. क्वेश्चन 1 दिया गया है फर्स्ट पार्ट इसका. ए प्लस बी इज इक्वल्स 9 और ए माइनस बी इज इक्वल्स माइनस 5. अब सॉल्यूशन फोर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर. फोर ए बी इज इक्वल ए प्लस बी 9 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर. फोर ए बी इज इक्वल 9 9 81 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 25 5 5 जा 25. फोर ए बी इज इक्वल 11 में से 5 गए 6 7 में से 2 गए 5. अब इसका दूसरा पार्ट है. a प्लस बी इज इक्वल माइनस 8 सॉरी a माइनस बी इज इक्वल 8
plus b is equals to minus 7. Solution. For ab is equals to a plus b ka whole square minus a minus b ka b whole square. For ab is equals to minus 7 ka whole square minus a minus b 8 ka whole square. For ab is equals to 49, क्योंकि माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 8 8 जा 64. ए प्लस बी, सॉरी हाँ ए प्लस ए माइनस बी इक्वल्स 8, ए प्लस बी इक्वल्स माइनस 7 7. Sorry, 4ab is equal to minus की वैल्यू बड़ी है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 9 गए, 5 में से 4 गए 1, 4ab की वैल्यू है minus 15. ठीक है, अब उसके बाद इसके बाकी पार्ट जो है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे. ठीक है, खुदा हाफिज़.